तो दोस्तों इस एपिसोड में हमारी मंडली तैयार है बाइक लेकर। बाइक पे हम हमारे बर्ड को उड़ाने वाले हैं। तो फिर से थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले चलते हैं, कैसे ट्रेनिंग देनी है, क्या ट्रेनिंग देनी है, वो मैं खान साहब से बात करता हूं और उसके बाद हम बर्ड को उड़ाएंगे बाइक पे और आप लोगों के सवालों के सारे जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आसान है कि क्या हर कोई नया बर्ड ब्रीडर इसको कर सकता है जिसको हैंड फीडिंग आता है? तो क्या खान साहब आप क्या कहेंगे कि क्या ख्याल रखना होगा आपको? अगर आपको हैंड फीडिंग नहीं आता बराबर सी तो मत करिए ये चीज़, ठीक है? और आपको हैंड फीडिंग बराबर आता है फिर आप अपने रूम में ये कर सकते हो। उसके बाद बार छोड़ना है, बार यूँ तुरंत नहीं छोड़ना कभी कोई बर्ड। बार ऐसी जगह तुम ढूंढो जहाँ पे आजू बाजू में कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, कोई थंबा नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कौवा चील के ऐसी कोई चीज़ भी की ध्यान रखनी है, वो भी होगा तो आपका बर्ड शिकार हो जाएगा, ठीक है? एकदम फ्री कोई भी जगह उसको बैठने लायक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका बर्ड आपसे ट्रेन होगा, बाकी आप ट्रेन करने जाओगे तो आपका बर्ड उड़ जाएगा और आपके हाथ में से निकल जाएगा। देख सकते हैं कि चारों तरफ खुला है, ठीक है? यहाँ पर बाज का कोई हमें खतरा नहीं है, ठीक है? और खान साहब शहर वाले ये कर सकते हैं नहीं? शहर वालों को बहुत शौक है, अब ये बढ़ रहा है कल्चर। हाँ। लोग एक बर्ड अपने घर पे रखते हैं और सोचते हैं कि हम फ्री फ्लाई ले भी लेते हैं, खरीद भी लेते हैं, तो क्या शहर में ये रहे? अगर आपने खरीद लिया फ्री फ्लाई करा हुआ बर्ड शहर वालों ने, तो उनको पहले तो बार उनके पास बिल्डिंग है ने वो है, उसके लिए वो लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको खुला आसमान चाहिए, पहली तो मैदान चाहिए उसको, बराबर? मैदान होगा तो उड़ेगा और घूमेगा, फिर वापस आपके पास रिटर्न आएगा बर्ड फ्री फ्लाई वाला, बाकी नहीं आएगा क्योंकि आपके वहाँ बिल्डिंग ज्यादा है, फिर चील कौवे ज्यादा है, उसके लिए आपका बर्ड मर सकता है। हाँ, भाग भी सकता है, किसी और के घर भी जा सकता है और कोई और इंसान के पास बैठ भी जाता है और उसके पास चला भी जाएगा, वो आपको वापस नहीं देगा फिर। सही बात, ऐसा बर्ड। ये अब मैं एक काम करता हूँ, आप क्वेश्चन जितने भी आपके हैं इस वीडियो के कमेंट में डालिए, मैं सारे सवाल लिखूंगा और खान साहब से नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, कहीं दूसरे बर्ड ट्रेनर के पास गए तो उनसे भी सवाल हम पूछते रहेंगे। तो ऐसे ही मेरी कोशिश है कि हम ऐसे फ्री फ्लाई बर्ड ट्रेनर को प्रोत्साहित करें, ठीक है? और ये बहुत खतरे वाला काम है, ठीक है? ये देखो बिल्लो नाम रखा, बिल्लो मेरे हाथ पे मेरे सर पे आके बैठ गया, ठीक है? तो आप बिल्कुल ट्राई ना करें ये, ठीक है? क्योंकि किसी की जान का सवाल है, ये इतने साल से बर्ड पाल रहे हैं तभी जाके इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है। अब बाइक पे जो आपने दोस्तों देखे होंगे कि माशाल्लाह यूट्यूबर्स काफ़ी कबूतर से फेमस हुए हैं, लेकिन एग्जॉटिक बर्ड के तो मैंने देखे नहीं है इतने सारे, क्योंकि ये करना बहुत इजी नहीं है। दोस्तों हम लगभग 1.5 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और खान साहब जो है वहाँ हमारे सामने खड़े हैं, ठीक है? और बर्ड इनके पीछे पीछे उड़ते हुए आए, आपने म्यूज़िक के साथ एंजॉय किया और अब हम यहाँ से वापस उस तरफ चलेंगे। We'll be right back.
माशाल्लाह खान साहब ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और इसके लिए ये खुला मैदान इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत मज़ा आया ऐसे दोस्तों वीडियो शूटिंग करने में भी मज़ा आता है कुछ नया हटके। बाकी तो बहुत सारे सेटअप हमने कवर किया, तक हज़ारों सेटअप कवर कर लिए, लेकिन ऐसी मज़ा जो है वो कहीं आप फील नहीं कर सकते। और क्या बताना चाहेंगे खान साहब, आप बोलिए। बस आप आए और हमारे को मज़ा आ गया। इतना हम समझो कि अहमदाबाद में सबसे बड़ा यूट्यूबर हम जानते हो तो आप है। जी जी, बहुत ठीक है। और आप लोग हमारे वहाँ यहाँ पे आए उसके लिए आपका शुक्रिया आजू भाई जी। मेरा काम ही है बर्ड हॉबी को प्रमोट करना। 2018 से हमने केज हॉबी प्रमोट की, 2019 के बाद हम टेम लाए। हाँ। और अब आप जैसे जो मैं कहता हूँ कि आप लोग तो है ना, एक क्या कहता हूँ, एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट से मिलकर मज़ा ही अलग है। देखो समझो, अब केज वाला कल्चर तो खत्म ही होने वाला है। हुँ। और आधा 50% खत्म ही हो चुका है। हैंड टेम और फ्री फ्लाई बस। और फ्री फ्लाई में हम समझो कि अभी हम लोग ही ज़्यादा कर रहे हैं, 4-5 लोग अभी गुजरात के अंदर, उससे ज़्यादा कोई है नहीं। और हम बढ़ाना चाहते हैं ये। ठीक है, फ्री फ्लाई ज़्यादा बढ़ेगा तो मज़ा आएगा। अब दोस्तों खान साहब को आप, खान साहब ट्रेनिंग करेंगे अगर कोई आपको बर्ड प्रोवाइड करेगा, जैसे अफ्रीकन ग्रे है या मकाव है या ऐसा कुछ? ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन जब वो मौत कैसी है वो ऊपर वाले के हाथ में। मौत चाहे मौत है तो आनी ही आनी है, आपके पास या मेरे पास, किसी के पास। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी, गारंटी नहीं लेते उसकी हम। ठीक है, हाँ, फीड हैंड फीडिंग जो जितना कराया है हमने, फीड दिया है, उसका पैसा हम नहीं लेंगे। अच्छा, अगर बंद मर गया तो बर्ड्स, अब कंप्लीट हो गया तो उसका पैसा लेंगे हम। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग का पैसा लेंगे। हाँ, ट्रेनिंग का पैसा लेंगे। अगर मर गया तो उनका उनका जो खर्चा है वो, मतलब बर्ड का जो खर्चा है वो उनका हुआ। हाँ, आपकी मेहनत और हाँ, आपका जो हैंड फीडिंग है वो आप नहीं, वो गया, वो गया। आपकी तरफ से भी थोड़ा नुकसान होगा और उनका भी नुकसान, दोनों होगा। हाँ, दोनों। ठीक है, तो दोस्तों ये भरोसे की गेम है ये। और आपका रिंग आईडी वाला, मैं कहता हूँ क्लोज रिंग वाला बर्ड दीजिए, ताकि आपको भी भरोसा रहे कि भाई क्लोज रिंग जो है वो काट के ही निकाली जा सकती है। ठीक है, और सेम नेम की रिंग बनेगी नहीं। ठीक है, तो आप क्लोज रिंग के लिए बर्ड दे सकते हैं, क्लोज रिंग के साथ कोई भी बर्ड दे सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग चार्जेस के लिए आप इनको कांटेक्ट करिए, फोन करिए। हमारा करा हुआ बर्ड कभी कोई जानवर नहीं मार सकेगा। अच्छा, जैसे कि कोई परिंदा नहीं मार सका गया इसको। हमारा जो ट्रेन हुआ बर्ड, तो आपने देखा हमारा बर्ड हमेशा 10 फुट की ऊंचाई पे उड़ता है। ज्यादा उड़ेगा तो उसको सिकरा, ईगल्स और कौवा मार सकेगा, कभी नहीं मार, चांसेस कम रहते, 50% चांसेस कम है उसको मरना। अब खान साहब से सबके नाम पूछ लेते। खान साहब नाम क्या रखा है सबका, आपने थोड़ा सा बताइए। हाँ, सबका नाम रखा है मैंने पांचों पांच का। एक का नाम बिल्लू है, एक का नाम मजनू है, एक का नाम जॉर्डन है, एक का नाम चीकू है, और एक का नाम प्याज की है। हाँ, प्याज की। ये हमारे ये सब जो भाई लोग है ये लोग नाम रखते रहते है, और उससे हम कंप्लेंट उससे वही नाम से बुला रहे हैं सबको। नाम से आ भी जाता है हमारा बर्ड्स, नाम रखना थोड़ा अच्छा। हाँ, नाम रखना जरूरी है। अच्छा। कोई भी बर्ड का नाम रखना जरूरी है, उसको मालूम पड़ेगा ये आवाज मेरे को बार बार घर में बुलाई जाती है, और कोई ने मेरे को बुलाया अगर बार छूट गया तो आ जाएगा बर्ड। मास्टर बर्ड है कि जो सबको फॉलो करता हो। यस एरिया ये। हाँ, ये मास्टर बर्ड है, इसका नाम मजनू है। अगर ये पांचों उड़ रहे और मजनू का नाम लिया तो पांचों को लेके आ जाएगा ये रिटर्न। मतलब ऐसा मास्टर बर्ड कंसेप्ट होना जरूरी है ना, मास्टर ही है ये। ठीक है, हमारे केज में रख दिया है। कोई भी जानकारी चाहिए, खान साहब के नंबर दिए हैं, खान साहब को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई जानकारी चाहिए तो नंबर वगैरह मांगने के लिए आप मुझे भी कभी कभी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आए चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में मदद करिए, बिकॉज हमें भारत में सबसे ज़्यादा अहमदाबाद। हाँ बिल्कुल दोस्तों, हम नज़दीक अहमदाबाद के लिए काफ़ी लोगों को दिक्कत थी, तो अहमदाबाद के लिए हमें खास करके खान साहब मिल गए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अलविदा करते हैं इसी एपिसोड के साथ। मिलते हैं किसी नए एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा ब्रेक।